सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव टौकी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक युवक गांव भेरा बांकीपुर का रहने वाला था। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। मृतक लड़के के परिजनों ने बताया कि उसने बीती 17 अगस्त को प्रेम विवाह किया था। लड़की पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटकाया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गांव भैरा बांकीपुर निवासी विपिन ने बीती 17 अगस्त को गांव टोंकी निवासी अंजलि के साथ दिल्ली में लव मैरिज की थी। विपिन के पिता हजारी ने बताया कि शुरुआत से ही लड़की पक्ष के लोग उन्हें बार बार धमकी दे रहे थे, जिसके बाद वो 15 सितंबर को घर आए थे और लड़की को अपने साथ ले गए। उस समय मैं और मेरा बेटा विपिन घर पर नहीं थे, जिसके बाद वो हमें बार बार धमकियां दे रहे थे और पैसों की डिमांड भी कर रहे थे। हमने एसपी ऑफिस में भी शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और 22 सितंबर को दोनों पक्ष के लोगों को कुंडली थाने में बुलाया गया था। बहुत देर बातचीत के बाद दोनों पक्ष घर चले गए थे और उसी समय विपिन गाड़ी सहित लापता हो गया था और उसके बाद गांव टोकी में उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। विपिन के पिता हजारी ने लड़की पक्ष के लोगों पर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। बहरहाल हत्या या आत्महत्या ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। वो जी हम थाने आए थे, लड़की ने 17-8 को अपनी शादी करी। लड़के ने अपनी मर्जी से शादी करी। मेरी कोई सावधि से नहीं थी, मेरी कोई सास नहीं थी, मैं भी कह रहा हूँ तो करे पक्ष है। तो उसमें आगे इन्होंने फिर 15-9 को जी लड़की को हम घर ना, मैं था ना, लड़का था, वे ठा के ले गए। यूपी के बदमाश दो थे और 5-4 आदमी और थे गली में जी। हम घर से, मैं मेरा लड़का किसकी शादी करी, हम घर से बाहर जा रहे थे गुआने साइड में पैसों के लिए जी। तो वे लड़की जो उसकी ठा गए वैसे वे ले गए। मैंने एप्लीकेशन अपनी लगाई एसपी के, पुलिस में दी, पुलिस मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैंने एसपी के दी जी, एसपी की मेरी भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। उसके बाद में फिर इसके बाद में जी मारे जो लड़की वहाँ जा ली, तो उसके पाछे मारे पाछे रोज रोज की लिजाम लगा के रोज कार्रवाई पुलिस के थ्रू कर लगे हुए। जब लड़की उनके पास जाए तो हमारे पाछा रोज कार्रवाई होने लगी जी। हम पुलिस रोज तंग, मुझे पुलिस भी तंग करा और वे भी तंग करा। फिर लड़की का बाप बोला 19 तारीख को मेरे से 10 लाख रुपए मुझे देगा तो तुझे लड़की दे दूंगा, ना तेरी कार्रवाई कोई नहीं चलने दूंगा मैं। फिर आपके लड़के को कैसे लेके गए उनको? मेरे लड़के को जी हम 21 कल तारीख क्या थी 22 कल 22 तारीख को हम थाने में बुलाए गए थे। पुलिस वाले का नंबर ले लो क्या? हम वहाँ थाने पेश थे, तो हम वहाँ समझते हैं दोनों पार्टी वहाँ गई थी। उसके बाद पुलिस वाले ने मेरा लड़का भड़का दिया जी। मेरे लड़कों को कह लगे वे भी तो तेरी सजा होगी कम से कम 10 साल की और तेरे बाप की सजा होगी 10 साल की जी। फिर मेरे लड़के जी वहाँ 20 वे टोके वाले 20 आदमी थे, टोके 20 आदमी थे, तो 4-5 आदमी उस लड़के को भका गए। मेरी गाड़ी इको थी, उसे वे भका गए, गाड़ी को भी ले गए, लड़के को ले गए। जब उस लड़के की मौत टोकी गांव में के वहाँ पास पाई, वो गाड़ी के साथ आपके लड़के को ले गए, लेकिन फिर डेड बॉडी मिली। हाँ डेड बॉडी मिली जी हमें, उस पे पेड़ पर लटकी और लड़का घसीट के जा रहा जी। उसके यहाँ ले लिए फोटो ले लियो, वो सारा मार्टी में सनोट लड़का जी, सब लते पटे सब पट्टे उड़े। किस किस पर शक है जी? किस किस ने किया है जी? तो शक तो गांव तो जी ब्रजमोहन प्रधान जी मनोली गांव जी। लड़की वाले का नाम क्या है? लड़की वाला नाम है जी, नहीं जी वो तो पहले। लड़की वाले का क्या नाम है जी? उसका नाम है जी राम सेठ। के भाई को लड़का का नाम बता, सोनू मोनू की माँ का। धमकी किसने दी थी आपको?
मुझे बिरोज मोहन ने दी थी जी, और इस खुरपर वाले ने जी, और इन्होंने इनके बारे में अंजलि तय तो वे सारी बात जा जी माँ से भाभी से भाई से उनकी कार्रवाई मेरे सक्सर मेरी निया होनी चाहिए। कितने साल का था आपका बेटा? 21 साल का जी, लड़की 22 साल की हो। कितने साल पहले शादी हुई थी? एक महीना हुआ जी। मिली थी कि गांव फ्रूपुर के खेतों में किसी लड़के ने फांसी लगा ली है, तो मौके पे पहुंचे उसके परिजन हमारे को वहाँ मौके मिले, उन्होंने शिकायत दे दी और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सब का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतक का क्या नाम था सर? विपिन नाम है। प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने आया है? अभी तक पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जो परिवार ने शिकायत दी उस पर कंप्लेंट पे दर्ज कर दिया मुकदमा। और क्या शिकायत दी सर परिवार ने? अगर उस लड़के ने लव मैरिज किया था और लड़की वालों से परेशान करते थे, इसी वजह से हुआ है और कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप ये भी है कि पहले इसको पहले शिकायत दी थी, हमें खतरा था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अभी इस बारे में कुछ पता नहीं हमारे।